टेलीग्राम एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप। आप में से बहुत लोग को अभी भी नहीं पता होगा टेलीग्राम के बारे में। इनफैक्ट अभी तो कुछ लोगों को पता भी रहता है, लेकिन एक टाइम था जब मैं लोगों से पूछता था कि भाई टेलीग्राम क्या होता है, तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आता था, टेलीग्राम ये का होता है, ये कौन चीज़ के नाम बा, बहुत सुन ले बारी एक बारे में बताओ तेनिका, तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता था टेलीग्राम के बारे में। लेकिन होपफुली टेलीग्राम का यूजर बेस बहुत तेज़ी से बढ़ा है इस लास्ट ईयर में, तो अब बहुत लोगों को पता है टेलीग्राम के बारे में और उसकी फीचर्स के बारे में। अभी भी बहुत लोगों को लिमिटेड चीज़ें पता है, और मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे व्हाट्सएप से ये वे बेटर देन है टेलीग्राम। उससे पहले अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में भी स्टडी करना चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को खंगाला है। तो मैंने वहाँ से निकाला कि जब व्हाट्सएप स्टार्ट हुई थी अराउंड 2009 में व्हाट्सएप स्टार्ट हुई थी, तो इसे दो लोगों ने स्टार्ट किया था, ब्रायन एक्टन एंड जॉन कोन। इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, आप बियर कर लीजिएगा। तो ये दोनों एक्चुअल में याहू के एम्प्लॉय थे, उन्होंने याहू को छोड़ा, फिर उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने फेसबुक में इंटरव्यू भी दिया था। अब ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि बाद में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, तो जब इन्होंने फेसबुक में इंटरव्यू दिया था तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, और फाइनली जो व्हाट्सएप इन्होंने बनाया उसे फेसबुक को खरीदना पड़ा, क्योंकि वो टाइम था जहां फेसबुक डाउन जा रहा था, व्हाट्सएप बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। तो ये रही व्हाट्सएप की बात। अब टेलीग्राम जो कंसेप्ट है उसने व्हाट्सएप से लिया है, और ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2013 में। तो 2013 में दो भाइयों ने इसे स्टार्ट किया था, उसका नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये ऑलरेडी एक रशियन जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो चला रहे थे, जिनका नाम है वीके। उसके बाद इन्होंने टेलीग्राम का कंसेप्ट वहाँ से व्हाट्सएप से लिया और उसमें बहुत फेर बदल करके बहुत ज़्यादा इनोवेटिव बना के इसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया। सो इस वीडियो में, आगे के वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या क्या ऐसे फीचर्स है जो टेलीग्राम में है और जो व्हाट्सएप में नहीं है, और जो टेलीग्राम में काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे हमें दिया जा रहा है। सो आपका ज़्यादा समय लिए बिना हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेलीग्राम जो है वो क्लाउड बेस्ड सर्विस है। क्लाउड बेस्ड सर्विस है मतलब आपकी जो भी चीज़ें, चैट मैसेजेज, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, व्हाटएवर जो भी है, सारे आपके क्लाउड स्टोरेज में रहते हैं। तो आपको अगर कोई एक प्लेटफॉर्म लाइक मोबाइल से आपने दूसरे मोबाइल में स्विच करना है, तो आपको कोई ये बैकअप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो भी चीज़ करते हैं वो ऑटो बैकअप रहता है, तो आप कभी भी कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है ना, लाइक आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो कहीं से भी यूज कर लो, कोई भी प्लेटफॉर्म से यूज कर लो, तो ऐसा ही आपका टेलीग्राम है। तो दूसरा, मीडिया कंप्रेशन। अब मीडिया कंप्रेशन का जब खेल आता है, तो यहाँ सबसे पहले होता है कि हम जो फोटो शेयर करते हैं, लाइक हमने बहुत सारे फोटो लिए कोई इवेंट्स के और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं, तो जब आप व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं तो फोटो का क्वालिटी रिड्यूस हो जाता है, तो एक्चुअल क्वालिटी वहाँ पर नहीं मिलती। अगर हम चाहते हैं कि उस फोटो को सेव करके कहीं प्रिंट करवा लें तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। लेकिन आपको टेलीग्राम में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अनकंप्रेस्ड इमेजेस सेंड कर सकते हैं और कंप्रेस्ड इमेज भी सेंड कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा यूज करें, तो ये यहाँ पर बेटर देन है व्हाट्सएप से। अब टेलीग्राम वन ऑफ द बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो फाइल साइज है वो आप मैक्सिमम फाइल साइज 1.5 GB तक का भेज सकते हैं। तो मतलब आप कोई मूवी शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों में तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़े बड़े फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चीज़ सेंड कर सकते हैं इसमें। बट व्हाट्सएप में ये लिमिट आपको केवल 16 MB की मिलती है, जो कि काफ़ी कम है। तो वो हम लिमिटेड हो जाते हैं फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, स्मॉल डॉक्यूमेंट्स, PDF 2 MB वगैरह की फाइलें के लिए। तो ये यहाँ पर एक ड्रॉबैक है व्हाट्सएप का। ग्रुप सपोर्ट, व्हाट्सएप में भी ग्रुप सपोर्ट आपको मिलता है, बट टेलीग्राम में जो ग्रुप सपोर्ट मिलता है इसमें आपको 5000 मेम्बर्स तक का अभी तक मिल रहा है। इनफैक्ट आगे की प्लानिंग है 200,000 मेम्बर्स तक का आप ग्रुप बना सकते हैं, और ये ग्रुप काफ़ी बेहतर होगा, इनोवेटिव होगा व्हाट्सएप से। बिल्ला व्हाट्सएप में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको उसका नंबर होना चाहिए, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी प्राइवेसी की वजह से अपना नंबर नहीं शेयर करना चाहते हैं। सो टेलीग्राम इसमें एक और यूनिक चीज़ लेके आया है, उसमें उसने एक यूजर नेम का कंसेप्ट लाया है। तो अगर आपके पास उस बंदे का नंबर नहीं है,
फिर भी अगर आपके पास उसका यूजर नेम है तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यह है ना बहुत अच्छी बात, जो कि यहाँ पर व्हाट्सएप वहाँ पर फेल हो जाता है, यहाँ पर टेलीग्राम वहाँ से आगे निकल जाता है। टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम का एक बहुत अच्छा इनोवेटिव फीचर है, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई जो कि आपको आई लिंक में दिख रही होगी। तो टेलीग्राम में क्या है, जो सब्सक्रिप्शन यूजर्स हैं उसकी लिमिट अनलिमिटेड है, मतलब कितने भी यूजर्स उसमें ऐड हो सकते हैं। तो इसमें एडमिन होता है और एडमिन के पास राइट्स होते हैं कि कुछ लोगों को वो एडमिन राइट्स देके कुछ चीज़ें जो राइट टेक्स्ट पोस्टिंग वगैरह चीज़ें का उनको ऑनरशिप दे सकता है। बाकी बहुत सारी ऐसी फीचर्स है जो कि आप अगर एडमिन हो आपकी यूजर बेस जाते हैं तो आपको और भी चीज़ें मिलती रहती है। तो ये एक प्रोमोशनल बेस्ड के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूजर बेस को आपको रीच करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी सर्विस है ये टेलीग्राम की। और ये नॉर्मल यूजर के लिए भी बहुत फ़ायदा है ना, टेलीग्राम ऐसे ऐसे टेलीग्राम चैनल है जिससे आपको नॉर्मल यूजर को बहुत फ़ायदा होता है। तो मेरी वीडियो को जो ऊपर लिंक में मिली है आप उसे ज़रूर देखें। नाउ टेलीग्राम सपोर्ट्स मल्टी प्लेटफॉर्म। तो मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि आप iOS में यूज कर लो, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, PC में, एंड्रॉयड बेस्ड, क्रोम बेस्ड, इवन ब्राउजर में भी आपको खुल जाएगा। तो कहीं पर भी आप उसे खोल सकते हैं और कितने लोग भी यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसमें व्हाट्सएप जैसा लोचा नहीं है कि हम एक यूजर अगर यूज कर रहा है तो दूसरा यूजर इसको एक साथ नहीं यूज करता, दो प्लेटफॉर्म में आप उसे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म में एक टाइम में लॉग इन हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सीक्रेट चैट का ऑप्शन मिल जाता है। सीक्रेट चैट जो है इन टू एंड इंक्रिप्शन बेस्ड होती है, बट यहाँ पर व्हाट्सएप बाजी मारता है क्योंकि व्हाट्सएप में क्या होता है जो भी चैट होती है वो एन टू एंड इंक्रिप्टेड होती है, लेकिन टेलीग्राम में केवल सीक्रेट चैट होती है वही एन टू एंड इंक्रिप्टेड होती है। और उसमें एक यूनिक फीचर जो कि व्हाट्सएप में अभी आने वाला है इन फ्यूचर, तो उसमें क्या होगा, अगर आप कोई मैसेज भेजते हो उसमें आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हो कि जो मैसेज है इतने टाइम के बाद डिसअपियर हो जाएगा। सो अगर आपको सीक्रेटली चैट करना है और आपको किसी भी तरह वो चैट को किसी से शेयर नहीं करना है, रिवील ना हो जाए किसी के, तो उसके लिए टेलीग्राम बहुत अच्छा है। तो कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। टेलीग्राम में एक बॉट का सपोर्ट मिलता है। बॉट एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है जो कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। सो बॉट्स आपके लिए बहुत सारा काम कर देता है ऑटोमेटिकली। लाइक बॉट्स आपके लिए इमेज फेच कर सकता है, GIF बना सकता है, वीडियो डाउनलोडर है, पब्लिक लिंक जनरेट कर सकता है। तो ये सारे बॉट्स का काम है। और बहुत अगर आप टेलीग्राम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो आपको कभी ना कभी बॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी और आपको तब पता चलेगा कि बॉट्स कितना हेल्पफुल होता है टेलीग्राम के लिए। टेलीग्राम में आपको इन ऐप वॉइस कॉल का सपोर्ट मिल जाता है। अब भैया लोग कहेंगे कि व्हाट्सएप में भी तो वॉइस कॉल मिलता है। हाँ भाई, व्हाट्सएप में भी वॉइस कॉल मिलता है और व्हाट्सएप में वीडियो कॉल का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर टेलीग्राम में केवल आपको अभी तक वॉइस कॉल का सपोर्ट मिल रहा है। बट इन फ्यूचर वीडियो कॉल का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। इन दिस ईयर तो नहीं कहेंगे, अगले ईयर श्योरली वीडियो कॉल का सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहीं पर व्हाट्सएप से वो पीछे रह जाता है। व्हाट्सएप में आप डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो वो भी लिमिटेड साइज ही भेज सकते हो, बट टेलीग्राम में एक तो साइज की लिमिट बहुत ज़्यादा है, 1.5 GB मैंने पहले ही बताया था, प्लस आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ वो APK फाइल है, EXE फाइल है, ये वो फाइल है, ये वो जो भी फाइल है, कोई भी फाइल आप भेज सकते हो। उसमें फाइल फॉर्मेट का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, उसमें साइज का रिस्ट्रिक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है, 1.5 GB। तो आप तो अनलिमिटेड भेज सकते हो और वो एक बार जो सेंड हो गया वो ड्राइव में मतलब क्लाउड में सेव होकर रह जाता है। तो आप इन फ्यूचर 10 साल बाद भी आप उसे एक्सेस करना, इनफैक्ट टेलीग्राम 10 साल तक रहा तो 10 साल बाद भी आप उसे एक्सेस करना चाहते हो तो एक्सेस कर सकते हो कोई भी प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने मोबाइल में भेजा होगा तो अपन लैपटॉप में जाकर खोल लो, ब्राउजर में खोल लो, दूसरे किसी के मोबाइल में खोल लो, वहाँ पर एक्सेस कर लो। सो दोस्तों, मैंने ऐसी 10 चीज़ें बताई जिसमें टेलीग्राम व्हाट्सएप से कहीं बेटर है, बट इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें मिस कर गया मैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें गलत बताई और वो नहीं होनी चाहिए, तो अगेन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में जो भी मैंने कंटेंट बताया वो आपको पसंद आया बट आप उसको कैसे यूज करना है वो नहीं पता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर मुझे लगा कि अच्छे लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।